बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेविंग का इशू मोस्ट ऑफ द केसेस हम देखते हैं कि बच्चों में वेरी कर रहा होता है कि वो प्रॉपर फेसिंग टुवर्ड्स अपोजिट साइड के बजाय वो बाज़ इनवर्ट होता है, अपनी ही तरफ फेस कर रहा होता है, या उसको थोड़ा सा डायगनल करते हुए वो इस तरह से या इस तरह से बच्चा वेव करता है। ये बहुत आसानी से ठीक हो जाता है, इसमें आपको एफर्ट थोड़ी सी करनी पड़ती है लगातार कुछ दिनों के लिए। बहुत सारे केसेस में मैं अगर रेंज करूं तो मेरा ख्याल 7 डेज से लेके 4-5 वीक्स तक काम करने से ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। उसमें आपने मैं आपको एक डेमोंस्ट्रेट उसको कर सकता हूं। हमज़ा को मैं दोनों चीज़ें चाहूँगा कि हमज़ा आप बाय बाय करें, बेटा अटल भी करें, बाय बाय बाय, गुड, दैट्स गुड, ओके। ये तो पोस्चर आमतौर पे होता है। अब जब हमने इसको इस पर एफर्ट करनी है तो अब हमें फिजिकल प्रॉम्प्ट इसको शायद इस तरह से देना हो कि जब मुझे पता है कि अब इसने उस अंकल को, आंटी को, बच्चे को, किसी को बाय बाय करना है, अब मुझे जब पता है तो आई नॉट अलाउ हिम कि वो इसको इस तरह मूव करे, बल्कि मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे के तो उसके साथ ही मैं उसको फिजिकल प्रॉम्प्ट दे दूंगा, चले बेटा बाय बाय करें, फ्रेंड को अपने को बाय बाय करें, बाय बाय बाय, आप सीधे रहें ऐसे बाय बाय, शायद मुझे यहाँ से भी मूव कर पकड़ना पड़े अगर वो उसको हटाना चाह रहा है, लेकिन अदरवाइज मैं उसको यहाँ से खाली अंगूठे की मदद से भी हाथ को अपने साथ अटैच रख सकूँ, बाय 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 बाय, गुड बॉय, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बाय बाय किया। इस तरह की प्रैक्टिसेस जब हम उसको लगातार देते हैं और बाय इंटेंशनली जब आपका टास्क बना हुआ है, गोल है वो आपका, फिर आप उसको दिन में हर एक को बार बार बाय बाय करवाएं और एवरी टाइम आप इसको इस अंदाज से प्रॉम्प्ट करें, हेल्प दें, फिजिकली करना पड़ता है, वर्बल पे तो उतना नहीं होता स्टार्ट में, हाई फंक्शनिंग में शायद वर्बल पे भी कुछ हद तक हमें मिल जाता है रिस्पॉन्स, और ग्रेजुअली उस फिजिकल प्रॉम्प्ट को हमने कम करना है कि हम वर्बल को पीछे जो साथ बाय बाय अटर कर रहे थे उसको हमने ख़त्म कर देना है, फिर फिजिकल मूवमेंट में उसको कभी एक थोड़ी सी देर कर दिया, थोड़ी देर छोड़ दिया, लाइक दैट इसको फेड आउट करने के लिए स्टेप्स में हम इसको फेड आउट करते हैं, तो ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाता है, लेकिन एफर्ट करनी पड़ती है कंसिस्टेंटली, आप कह लें कि फॉर मैक्सिमम 4-5 वीक्स के अंदर अंदर ये चीज़ कवर हो जाती है। बहुत कम केसेस ऐसे मैंने देखे हैं जिसमें ये इससे प्रोलॉन्ग करता है, लेकिन जनरली विद इन दिस पीरियड हो जाता है। सो आई होप कि ये जिन जिन के ऑब्जर्वेशन में ऐसी उनकी होगी अपने बच्चों के हवाले से वेविंग, वो उस पर एफर्ट करेंगे तो वो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। स्टे ब्लेस्ड, थैंक्स अ लॉट।